हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। दोस्तों, अगर अभी तक आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, ख़ास तौर पे सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए। आज हम आपके लिए लेके आए हैं DHS सुफा यूनिवर्सिटी का एक छोटा सा वीडियो व्लॉग, जिसमें हम इसके बारे में भी आपको बताएंगे और किस एरिया पर ये लोकेटेड है उसके बारे में भी बताएंगे। तो बेसिकली DHS सुफा यूनिवर्सिटी DHA कराची में लोकेटेड है। Phase 7 एक्सटेंशन, इसको ख़याबाने तुफैल लगता है और ये Phase 7 है और बिल्डिंग नंबर DG 78 है। तो इसके इर्द गिर्द आप देख सकते हैं सारे रेजिडेंशियल एरिया और कुछ कमर्शियल एरिया भी है। तो ये अभी हम पूरा एक राउंड लेंगे क्योंकि ताकि आपको पता चल सके ये स्ट्रक्चर कितना बड़े एरिया पे बना हुआ है और इसमें कौन कौन से डिसिप्लिन वगैरह हैं वो भी आपको बताएंगे और इसकी फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में भी बताएंगे। तो दोस्तों, एंड तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए जी। तो दोस्तों, इसके अगर मैं आपको डिसिप्लिन के बारे में बताऊँ तो इसमें इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, मैनेजमेंट साइंसेज, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज के डिसिप्लिन हैं और कुछ ये नए डिसिप्लिन अभी लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस भी है, डेटा साइंस भी है, सिविल इंजीनियरिंग भी है, इंटरनेशनल रिलेशन, BS इंग्लिश और BS साइकोलॉजी भी है। तो कुछ डिसिप्लिन ये ऐड कर चुके हैं और कुछ ये कर रहे हैं। फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में दोस्तों अगर मैं ज़िक्र करूँ तो इसकी जो मैकेनिकल की फ़ीस है वो फर्स्ट सेमेस्टर की 1,54,890 है। सिविल इंजीनियरिंग जो है 1,31,984 है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 1,23,825 है। कंप्यूटर साइंस जो है वो 1,29,550 का है। एक इनका कैंपस DHA सिटी कराची में भी है, उसकी फ़ीस थोड़ी कम है, उसकी फ़ीस है टोटल 1,11,438। डेटा साइंस की जो इसकी फ़ीस है वो है 1,11,438। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की 1,34,380। इंटरनेशनल रिलेशन की 80,650। इंग्लिश BS इंग्लिश की 80,000। BS साइकोलॉजी की 74,000। BBA की 1,24,000। और बिजनेस एनालिटिक्स एंड प्रोग्रामिंग की 1,15,000। कंप्यूटेशनल एंड इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स की 1,10,650। तो बेसिकली ये इनका सेमेस्टर की फीसेस चल रही हैं यहाँ पे DHA कराची, ये इनका मेन कैंपस है। अब थोड़ी इनकी फैसिलिटीज़ एंड सर्विसेज के बारे में बात कर लेते हैं। जो फैसिलिटीज़ और सर्विसेज ये अंदर यूनिवर्सिटी के प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें लाइब्रेरी है, मकैनिकल लैब्स हैं, इलेक्ट्रिकल लैब्स हैं, कंप्यूटर साइंस लैब्स हैं, IT इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने बड़ा अच्छा डाला हुआ है और करियर सर्विसेज और कॉरपोरेट रिलेशंस का इनका अलहदा से एक डिपार्टमेंट है जो कि आपकी जॉब के लिए भी हेल्प करता है आगे इन फ्यूचर अगर आप यहां से ग्रेजुएट हो जाएं तो जी। इस वक्त इसके जो वाइस चांसलर हैं उनका नाम लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद है और जो वाइस चांसलर हैं वो है इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अफजाल हक। इसके अलावा डीन जो है उनका नाम है प्रोफेसर डॉक्टर अहमद हुसैन। ऑलमोस्ट जो एकेडमिक स्टाफ है वो 120 से के करीब है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इनका टोटल 222 है और स्टूडेंट्स 2,098, मतलब 2100 स्टूडेंट्स हैं इनके यहाँ पे जो अभी पढ़ रहे हैं जी। तो दोस्तों, आपने जैसे देखा कि ये यूनिवर्सिटी ख्याबाने तुफैल की है, जिसका हम बाय से आपको व्यू दिखा रहे हैं। बड़ी इसके एरिया से तो आपको पता चल ही गया होगा कि इसका क्या साइज़ है और रकबा है। बेसिकली ये यूनिवर्सिटी इस तरह स्टार्ट हुई थी, आई थिंक 2010 में। इसकी अगर आपको थोड़ी सी मैं हिस्ट्री के बारे में बताऊं तो पहले यहाँ पे जहाँ DHA डिग्री कॉलेज फॉर मेन है, इसके पास होता था DACB डिफेंस कॉलेज ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और वो एफिलेटेड होता था कराची यूनिवर्सिटी से। तो उनको जो डिग्रीज मिलती थी वो मिलती थी कराची यूनिवर्सिटी की, जो भी वहाँ BBA का आई थिंक होता था ज़्यादा मेन उनका डिसिप्लिन एक वहाँ पे, क्योंकि बिज़नेस स्टडीज़ का था वो। फिर DHA वालों ने सोचा कि हम अपनी स्कूल कॉलेजेस तो हमारे अपने रन हो ही रहे हैं तो हम अपनी एक यूनिवर्सिटी बना लें। तो इस तरह ये यूनिवर्सिटी
को इन्होंने फाउंड किया जहाँ तक मुझे पता है। अगर दोस्तों आपके पास कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है लेटेस्ट तो वो आप बता सकते हैं, बाकी मेरी नॉलेज के हिसाब से इस तरह करके इनका ये सिस्टम स्टार्ट हुआ था। और उसके बाद आई थिंक 2011 से शायद इनकी क्लासेस स्टार्ट हो गई थी, तो 11 के एंड या 11 में इनकी क्लासेस स्टार्ट हो गई थी डिफरेंट आहिस्ता आहिस्ता करके डिफरेंट बैचेस की। तो ये देखिए दोस्तों, ये इसके पास ही एक बड़ी खूबसूरत अच्छी और प्यारी सी मस्जिद है, जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो जुम्मे की नमाज़ या दूसरी नमाजों में अगर उनको ब्रेक मिले तो वो नमाज़ पढ़ सकते हैं। इस मस्जिद का नाम है मस्जिद फ़ातिमा। ये भी बड़ी अच्छी और बड़ी मस्जिद है जो इस एरिया और इलाके को सर्व करती है। इसके काफ़ी एंट्रेंस गेट्स हैं और ये भी रेजिडेंशियल एरिया के बीच में ही बनी हुई है। जाहिर सी बात है ताकि लोगों को आना जाना आसान हो जाए और वो आराम से कम्यूट कर सकें, इस मस्जिद से आ सकें। और यूनिवर्सिटी का भी काफ़ी फ़ायदा है कि उनके स्टूडेंट्स की भी नमाज़ स्पेशली जुम्मे को ही सबको जल्दी होती है, तो जुम्मे की नमाज़ उनकी मिस नहीं होती इस मस्जिद की वजह से। बाकी ये जो इसके पीछे रेजिडेंशियल एरिया है वही फेज 7 एक्सटेंशन तुफैल वाली साइड का जो है। यहाँ पे छोटे छोटे घर बने हुए, लेकिन ये छोटे घर भी आज तकरीबन 100-120 गज का घर भी आपको तकरीबन 6 करोड़ रुपए का पड़ता है। इसका रेट ही अब ये हो गया, बहुत मुश्किल है कि आपको 5-5.5 में मिले, अब रेट इसका 6 करोड़ रुपए हो चुका है। देखिए अभी भी कई सारे घर बन रहे हैं और कई सारे घरों की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई है। कुछ लोग, ज़्यादातर लोग अब इस साइड पे DHA वाली साइड पे सोलर की साइड पे आ रहे हैं, यानी सोलर एनर्जी से अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये आगे एक और गेट है, तो हमने सोचा आपको ये भी दिखा लें, लेकिन लोग वॉक कर रहे हैं आराम से, इस मस्जिद के आसपास भी घूम रहे हैं और इसका एक गेट रेजिडेंशियल एरिया में भी ओपन हो रहा है कि लोग यहाँ से भी नमाज ही डायरेक्ट घर से निकलें और नमाज़ पढ़ने आ सकें। लेकिन आगे कोई रास्ता नहीं था तो हमने कहा वापस आपको सूफा यूनिवर्सिटी ही लेके चलते हैं। आपको ये वाला एरिया तो हमने दिखा ही दिया, और अगर अभी तक आपने ये हमारे पहले के ब्लॉग नहीं देखे तो इसके हमने पहले के भी ब्लॉग बनाए, वो भी हमारे चैनल पे जाके आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ से हम दोबारा चलेंगे टूवर्ड्स जो है आपका DHA सूफा यूनिवर्सिटी। और ये देखें छोटे छोटे घर कितने सारे बने हुए हैं। जी हाँ, ये देखें तकरीबन 6 करोड़ रुपए के घर हैं ये छोटे वाले भी, बड़े वाले तो इससे महंगे हैं। और ये देखें ज़्यादातर छतों में आपको सोलर पैनल्स नज़र आ रहे होंगे, कई सारे फ्लैटों ने भी सोलर पैनल्स अब लगवा लिए हैं, क्योंकि सोलर से शायद सेविंग हो जाती है और आपको पता है बिजली कितनी महंगी हो गई है, और कभी ब्रेक डाउन हो जाता है तो फिर काफ़ी देर तक लाइट नहीं होती, और आजकल वाईफाई इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो वाईफाई नहीं चलता और मोबाइल चार्ज नहीं होते तो बहुत मसला और इशू होता है। तो दोस्तों ये था आज का व्लॉग, देखने का बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन।